आप सभी को बीएसपी मैथ मिसाल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन क्या है उदाहरण से लेने के लिए, दोस्तों मैं उदाहरण से लिया हूँ जो पेज नंबर 79 में है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोस्तों कंचे मतलब गोली, हम लोग अपना भाषा में गोली बोलते हैं, ठीक है ना। तो वह कंचे का गया, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। दोस्तों हल में क्या लिखेंगे, दोस्तों हल में लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, माना कि जॉन के कंचों की संख्या क्या है दोस्तों, लिखेंगे माना कि जॉन के कंचों की संख्या बराबर एक्स, या भी लिख सकते हैं माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या और एक्स, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या कर रहा है, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ 45 माइनस एक्स, क्योंकि देखो दोस्तों दोनों का योग 45 है, मान लो कि एक एक्स है तो दूसरा उससे कम ही होगा, योग में से तो कम ही जाएगा, इसे 45 में से एक्स किया गया, ठीक है। 45 माइनस एक्स, यहाँ दोस्तों पास लगाई दो जॉन के पास तो पढ़ने में अच्छा हो जाएगा, ठीक है पास, ठीक है इतना। अब कह रहा है कि 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कितना बचेगा, तो लिखेंगे जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद दोस्तों जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद बचे कंचों की संख्या बराबर x माइनस 5, ठीक है दोस्तों। रहा है जवन क्या है, जीवंती के पास यही बात है, 5 कंचे खोने के बाद बचे कंचों की संख्या दोस्तों इधर कितना था 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 माइनस एक्स अर्थात 40 माइनस एक्स बचा, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर रहा है प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल तो है एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इजकल टू कितना बोल रहा है 124 बोल रहा है, ठीक है दोस्तों ये हो गया। अब हम गुना कर लेते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से गुना करेंगे तो इससे गुना करें 40 में तो 40x, अब माइनस एक्स और माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5 40 तो माइनस 200 गुना कर लेंगे, माइनस और माइनस प्लस 5x बराबर दोस्तों 124 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x बराबर 124, अभी बराबर बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 200 दोस्तों, ठीक है तो प्लस 45x बराबर 324, ठीक है दोस्तों ये हो गया। अब करना क्या है हमको, ये करना है क्या अब कि माइनस तो एक्स स्क्वायर है ही, प्लस 45x तो है ही और माइनस 324 बराबर से पहले आ गया, ठीक है दोस्तों। कितना है माइनस 224, दोस्तों करना क्या है ये प्लस है बराबर किस पर आया जिससे माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब गुना करने पर लाना है 324, तो दोस्तों कैसे आएगा तो 18 18 324 तो हो जाता है परंतु उसमें आएगा नहीं, 45 तो लाना है तो 324 का हम फैक्टर तोड़ देता हूं, ठीक है दोस्तों
और यहाँ से आ जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, हमें लाना है 45 क्या 36, देखिए 3 9 और 9 4 36, 3 3 9 36 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 और 9 आ जाएगा फैक्टर में। ठीक है, 36 और 9 को गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा, 324 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस में लाना है। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 9x और प्लस 36x और माइनस 324 बराबर 0। दोस्तों अब क्या लिखेंगे हम, x कॉमन लेंगे माइनस x, तो कट गया माइनस माइनस, x बचेगा और माइनस 9 बचेगा। यहाँ प्लस 36 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और माइनस 9 बचेगा बराबर 0। दोस्तों क्या हो जाएगा, x माइनस 9 और x माइनस x प्लस 36 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, चलो इतना आ गया। आप क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, x माइनस 9 बराबर 0 या माइनस एक्स प्लस 36 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, x बराबर 9 या माइनस एक्स बराबर माइनस 36, तो माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, अतः हो जाएगा x बराबर 9 और 36। क्या दोस्तों, कांचों की जो संख्या होगा, कांचों की संख्या जो होगा 9 और 36, कितना होगा 9 और 36। देखिए दोस्तों, एक के पास 9 होगा तो एक के पास 36 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको मान लूं कांचो संख्या, तो ये 9 कांचो संख्या x, तथा जयवंती के पास कांचो संख्या 45 माइनस एक्स है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एक बार मान लूं कि 9 रखता हूं तो इसके पास तो 9 हो जाएगा, इसके पास 36। ठीक है, मान लूं मैं दोबारा रखूँ 36, तो इसका 36 इसका, जब यहाँ पर रख दूंगा 36 तो इसका क्या हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हुआ कि कांचों की संख्या होगा 9 और 36 होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।